हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाई स्पार्क के 29 वीडियो में आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज रो क्लास इन पाई स्पार्क, पाई स्पार्क में रो क्लास क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करेंगे रो क्लास पे, रो क्लास को कहाँ पर यूज करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद रो क्लास का यूज करके हम कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, हम रो क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके कैसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, यदि हमारे पास कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर टाइप है उसके थ्रू कैसे रो ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। चलिए हम वन बाई वन सभी बार सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों व्हाट इज रो क्लास। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ रो क्लास होता क्या है कि रो इज रिप्रेजेंटेड एज ए रिकॉर्ड या रो, मतलब कि इन डेटा फ्रेम, मतलब होता है डेटा फ्रेम में रो इज रिप्रेजेंट करता है कि एक सिर्फ रो है, मतलब रो इज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, ओके। वंस यू कैन क्रिएट रो ऑब्जेक्ट बाई यूजिंग द नेम्ड आर्गूमेंट या क्रिएट अ कस्टम रो लाइक एज क्लास, मतलब क्लास की तरह आप एक जो है रो क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आप बात करूँ रो की बात करूँ, जैसे एसक्यूएल सर्वर होता है, एसक्यूएल सर्वर टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल रो होता है, ठीक है। जैसे आपका मतलब कि नाम हो गया, फिर आपका मोबाइल नंबर एड्रेस हो गया, उसके बाद आप जो टेबल के अंदर जो भी आप रो क्रिएट करते हैं सेम ऐसे रो होता है, ठीक है। अब हम रो कैसे क्रिएट करते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। चलिए हम मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम रो को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। एक इम्पोर्ट करेंगे, पहले हम रो को इंपोर्ट कर लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एज ए हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हम चाहे वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिंपल होता है, फिर यूजिंग नेम्ड आर्गूमेंट। नेम्ड आर्गूमेंट क्या होता है, रो के अंदर आप जो है की नेम भी डिफाइन कर देते हैं, की नेम मतलब कॉलम नेम भी आप डिफाइन कर देते हैं, जैसे मतलब नेम है, सैलरी है, आप डिफाइन कर देते हैं। तो वन बाई वन सब समझते हैं, जैसे मतलब डेटा फ्रेम रो का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है कैसे करेंगे आप, उसको हम देखेंगे आगे हम, ठीक है। आगे हम देखेंगे मतलब कैसे हम मल्टीपल रो है हमारे पास, ठीक है, उसको हम एक साथ कनेक्ट करके हम उसको डेटा फ्रेम करेंगे, उसको हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम। चलिए हम वन बाई वन स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल चलते हैं, यहाँ पर एक नया क्रिएट करते हैं हम, यहाँ पर चलते हैं एक पाई स्पार्क न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नोटबुक का नाम हम कुछ यहाँ पर देते हैं, कुछ मान लीजिए रो क्लास नाम दे दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें ये सब बताया था, पहले हमें आपको रो को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिखेंगे आप फ्रॉम, उसके बाद पाई स्पार्क, इसके बाद डॉट एसक्यूएल इंपोर्ट, उसके बाद रो, दैट्स इट आप कर लेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे हम, जो भी क्लस्टर हमारे पास है हमने क्लस्टर को अटैच कर लिया यहाँ पर, फिर इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये हमारा अभी जो है इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्ट हो गया, आप चलते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का क्या करना पड़ता है, सिंपल देखिए रो है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं, मान लीजिए मैं पर गए, हमने एक रो ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू रो, जैसे क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते थे वो मतलब कि उसमें आता था, डिफाइन होता था सेम ऐसे। यहाँ पर जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर नाम पहले सेंड कर दिया, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने सैलरी ले लिया मान लीजिए इनकेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा मतलब कि जब इसको जब आप प्रिंट करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए दो रो है, दो कॉलम है, एक दो, यहाँ पर दो कॉलम है। अब जैसे हमें पहला कॉलम प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रो, उसके बाद इंडेक्स, जो इंडेक्स होगा पहला इंडेक्स दे देंगे, जैसे इसको रन करेंगे अभी देखिए जो नाम है, देखिए यहाँ पर नाम जो है इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एक तरह एक रो ही है, ठीक है, इसको हम एज रो ही यूज करते हैं। जैसे हमने कर लिया, देखिए इसने कहिए एक रो देखिए प्रिंट कर लिया, दोनों मतलब जो भी रिकॉर्ड थे दोनों रिकॉर्ड ने प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आपको दूसरा प्रिंट करना है, दूसरा नाम प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपने जीरो दिया था, सेम ऐसे आप यहाँ पर गया, हमने इसको कुछ अपेंड कर देते हैं मान लीजिए प्लस, फिर इसके बाद हमने करते हैं रो इंडेक्स, अब इसका क्या है वन होगा, अगर पहला जीरो है दूसरा वन होगा जो ऑप्शन बात है, इसको हम रन करते हैं। जैसे रन करेंगे अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओके, ये बोला कि इंटीजर मतलब कि यहाँ पर ओके ये इंटीजर इस मतलब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एस टी आर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मतलब कुछ नाम कुछ भी डाल दें आप, तो जो भी डाल देंगे यहाँ पर आ जाएगा देखिए, ठीक है। अब इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रो क्लास। अब हमने एक तो रो यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने कॉलम नेम डिफाइन नहीं किया। अब हमें करना है विथ नेम्ड आर्गूमेंट थ्रू हम क्रिएट करना है। नेम्ड आर्गूमेंट क्या होता है, हमें मतलब उसके अंदर डिफाइन करते हैं कि इसका नाम, सैलरी, जो भी कॉलम होगा कॉलम नाम भी डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। चलिए हम कॉलम नेम में डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो आप पहले सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम रो, ठीक है, इक्वल टू रो।
अब यहाँ पर लिख देंगे हम नेम, ठीक है, इक्वल टू, और हम यहाँ पर नाम दे दिया, जैसे हमने दे दिया नाम कुछ भी दे दिया, यहाँ पर लिख गए हम फिर सैलरी, सैलरी इक्वल टू, फिर यहाँ पर जो सैलरी था हमने सैलरी डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जैसे जाएंगे, अब हमें जैसे प्रिंट करना है, प्रिंट करना है रो डॉट अब नेम, जो भी आपका मतलब यहाँ नाम होगा, ठीक है, इस नाम से भी हम इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं इसको। देखिए नाम आ गया, ठीक है, अब इसको चाहते हैं सैलरी, अब यहाँ पर सैलरी देंगे, अब देखिए एक नेम हो गया है यहाँ पर, मतलब हम यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट किए हैं, यहाँ पर नेम से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी आप इंडेक्स वैल्यू देखिए क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे क्या होगा नेम आर्गुमेंट हो गया। अब जो भी मतलब कॉलम नेम है, कॉलम नेम के थ्रू भी आप यहाँ पर जो है वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू चाहिए आसानी से, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसको दोनों प्रिंट करना है, आप जाइए यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभी ये तो आपको क्या हो गया डॉट नेम हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर जाएंगे आप डॉट सैलरी हो जाएगा, डॉट सैलरी डैश, इसको अपने गए जैसे आपने प्रिंट किया, देखिए ये क्या इसने प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैं चाहता हूँ, मतलब कि इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं वर्क करता है नहीं, चेक, ठीक है, देखिए इसने मतलब कि डिस्प्ले इसने वर्क किया है, इसने देखिए दोनों सेम जो भी वैल्यू था उसने वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, चाहे प्रिंट में प्रिंट कर लीजिए चाहे डिस्प्ले में प्रिंट कर लीजिए, दोनों में वर्क करेगा, आराम से वर्क करेगा। ओके, ये आपका क्या होगा नेम्ड हो गया, इसे बोलते हैं नेम्ड आर्गुमेंट बोलते हैं इसे। ओके, अब ये नेम्ड आर्गुमेंट हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ कि डेटा फ्रेम का यूज करके हमने जो है एक सॉरी रो का यूज करके हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ था दोस्तों, तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाएंगे हम, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर चलते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं नए सेल में, अब यहाँ पर करते हैं दो क्रिएट करते हैं, रो वन इक्वल टू हमने कर दिया, सॉरी यहाँ पर रो, अब यहाँ पर बीसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा मतलब समय बच जाएगा, एक एक पहला ऑब्जेक्ट हो गया, एक जितना ऑब्जेक्ट चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे दूसरा मतलब जैसे कर दिया मैंने राम कुमार, अब जैसे मैंने कर दिया इसको भाई 1500, ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका यूज करके हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम करने के लिए हम यहाँ पर देते हैं एक ऑब्जेक्ट लेते हैं डेटा, फिर यहाँ पर जाएंगे हम दोनों ऑब्जेक्ट को अपेंड कर देंगे, रो वन प्लस दोनों को हमने अपेंड कर दिया, देखिए हमें यहाँ पर सेम ऐसा अपेंड किया हुआ, सॉरी कामा रहेगा यहाँ पर, अपेंड नहीं करना है, सॉरी कामा रहेगा, जितनी भी आप देख लेंगे सभी आप देख आपको यहाँ पर कामा करके आपको उसमें भेजना है, तो जैसे पहला रो दूसरा रो तीसरा रो जो भी रहेगा सभी रो ये आपस में अपेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, अब हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको मालूम होगा हम स्पार्क सेशन क्रिएट करते थे, जैसे हमने ले लिया डी एफ इक्वल टू स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा डेटा ले लिया, उसके बाद डेटा जो भी डेटा है इसको हमने पास कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं लिखते हैं हम डी एफ डॉट, यहाँ पर करते हैं शो डैश, अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे हम तो ये क्या करेगा, देखिए मतलब कि प्रीवियस जैसे हम डेटा फ्रेम में प्रिंट करते थे कि हमारे पास जो भी डेटा आता था वहाँ पर नाम सैलरी जो भी आता था सेम ये भी यहाँ पर प्रिंट करेगा, अभी यहाँ पर सेम आएगा, देखिए ठीक है, हमने यहाँ पर प्रिंट किया, अभी देखिए यहाँ पर सेम आपको मतलब कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे, देखिए अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर जाएंगे चेक करेंगे, देखिए दो यहाँ पर है स्ट्रिंग टाइप का है और यहाँ का मतलब कि सैलरी लॉन्ग टाइप का है, हमने यहाँ पर दो देखे दो कॉलम में लिया है, यहाँ पर सेम दो कॉलम यहाँ भी आप आ गया, देखिए यहाँ पर इस तरह से क्या कर सकते हैं हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, रो का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमें क्रिएट करना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, हमने पहले क्या 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 किया था कि मतलब कि यहीं पर प्रीवियस वीडियो में हम जितना रो क्रिएट कर रहे हैं सभी रो में हमने नेम और सैलरी दोनों हम डिफाइन कर रहे हैं सभी रो में, अब हम क्या करते हैं जब पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, पर्सन पहले एक मतलब कि जो जितने कॉलम होते हैं सभी कॉलम पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर उस स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम नया क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बना के नया रो बनाएंगे हम इसमें, जैसे इसमें किया देखिए क्या कि हमने पहले रो जाके हमने एक पर्सन नाम का एक हमने क्रिएट कर लिया, जैसे मतलब कि सैलरी एंड नेम आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए पर्सन का यूज करके हम मतलब कि जो सैलरी और नेम जो है पूरा इसमें जो है फिल कर रहे हैं, चलिए हम इस प्रैक्टिकल समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखिए नेम यूज कर रहे हैं भी यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो मैं आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम मतलब जैसे हमने ले लिया P1, हमने P1 ले लिया या पर्सन P1 ही ले लिया मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने कर दिया रो, अब यहाँ पर हमने जो भी कॉलम है सभी कॉलम डिफाइन कर दिए, कॉलम जैसे नेम हमें चाहिए इसमें
फिर आपका मतलब इसमें सैलरी चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए आप इसके अंदर कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से जो है ये हटा दीजिए, आप जो भी नेम है आपका, आपने यहाँ से नेम जो है यहाँ से हटा दिया, सैलरी भी आप यहाँ से हटा दिया आपने। और इसमें सिर्फ आपको डेटा भेजना है, स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी जो कॉलम नेम स्ट्रक्चर हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो P1 है, P1 का हमें बनाना है, P1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर P1 हमने कर दिया। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब हमने इसके अंदर हमने यहाँ पर कहीं पर कॉलम ने डिफाइन नहीं किया है, बट इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कॉलम का हमने बना लिया है। अब जैसे इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी क्या करेगा, सेम टास्क क्रिएट करेगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्रिएट कर देते। इसके क्या होता है, जब आपको मल्टीपल रो क्रिएट करना है, ठीक है, और हर रो में, सभी रो में आप मतलब कि कॉलम नेम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं करेंगे, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप प्रोवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर लीजिए, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद वही ऑब्जेक्ट यूज करके आप नेक्स्ट उसमें डेटा जो है आप इंसर्ट कर लीजिए, जो भी डेटा है रो क्रिएट कर लीजिए। सेव हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने यूज करके हमने मतलब कि यूज कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं कि हमें कैसे, अगर स्ट्रक्ट टाइप है, नेस्टेड स्ट्रक्ट टाइप है, उसको रो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि हम सेम यूज किया पर्सन, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे नेम है, ठीक है, ये अगर हम नहीं भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमने मतलब कि पर्सन का यूज नहीं है यहाँ पर। अब जैसे डेटा है, देखिए अब रो है, पहला रो आपका है। अब रो के अंदर हमने देखिए क्या है, हमने यूज किया हुआ है स्ट्रक्ट टाइप यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर अदर में आप जाएंगे, देखिए अदर क्या है आपका, स्ट्रक्ट टाइप है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमने यूज किया हुआ है, इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए हम विद प्रैक्टिकल विद एग्जाम्पल समझते हैं, वहाँ पर आपको बेटर क्लियर और अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर हो जाएगी विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम मान लीजिए इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, सभी में इम्पोर्ट करना जरूरी नहीं था, फिर भी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अब हम एक डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है, डेटा इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर करता है रो, हम रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर दिया, नेम, नेम इक्वल टू जो भी नाम हमने दे दिया, जैसे हमने नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देना है आपको, ये हमने नाम दे दिया आपने, ठीक है। अब ये रो के अंदर होगा ये, तो इसके ये क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, टुकुल के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हमने एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये भी आपका मतलब किसके अंदर होगा, अभी अभी जाएंगे आप देखेंगे, ये आपका मतलब कि रो है, फिर इसी के अंदर, रो के अंदर ही आपका पहला मतलब जो है रो क्रिएट करना है। तो हमने एक क्रिएट कर दिया कामा, अब दूसरा जो है आप नाम क्या दे रहे हो, जैसे दे दिया अदर डिटेल नाम दे दिया हमें यहाँ पर इक्वल टू, आप क्या करना है हमें इसके अंदर जो भी आपके अदर डिटेल, जैसे जेंडर, एज, जो भी है, सभी डिटेल आपको यहाँ पर देना है। जैसे हमने दे दिया रो, एक आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका, क्योंकि आप नेस्टेड है ना, नेस्टेड क्रिएट कर रहे हैं, तो एक नया हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर जैसे दे दिया मान लीजिए एज इक्वल टू 30, अब यहाँ पर जैसे दे दिया जेंडर इक्वल टू मेल नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह से अब क्या होगा, क्रिएट हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं, दो कॉलम क्रिएट कर लेंगे, ताकि मतलब कि ठीक है, हमने दो क्रिएट कर लिया। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया राम कर दिया, फिर यहाँ पर एज जो हमने कर दिया मान लीजिए 40, और इसको भी हमने मेल कर लिया, दैट्स इट। अब चलते हैं, इसका यूज करके हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करके हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो हम देंगे df इक्वल टू स्पार्क इक्वल टू क्रिएट डेटा फ्रेम, यहाँ पर हमने डेटा पास कर दिया, फिर यहाँ पर देंगे हम df.show। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, आपका मतलब दूसरा जो है ये आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर में आएगा, इसलिए ठीक है नेस्टेड स्ट्रक्चर में आ रहा है, क्योंकि मतलब कि एक रो के अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है, उसी को नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए बना हुआ है, जैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए क्या रहा है, अदर डिटेल क्या है, किस टाइप का, स्ट्रक्ट टाइप का है, ठीक है, अदर डिटेल। तो इस तरह से आप जब भी आपको उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस तरह से जब भी आपको क्रिएट करना हो नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो आप इसी मेथड से आप जो है आसानी से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको रो का जो कंसेप्ट है, जो हमने 3-4 सिनेरियो हमने यहाँ पर आपके सामने प्रिंट किया है, 4-5 सिनेरियो हमने आपके सामने प्रिंट आपके शो किया है, आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।